अच्छा, ये सेब भी बड़ा ए ग्रेड वाला ही लग रहा है भाई। सेब गोल्डन सेब है, गोल्डन सेब है ये। ये 1800 रुपए का। ये काला अंगूर है। और ये क्या हिसाब है? ये भी 1700 रुपए का। 1700 रुपए का ये। क्या हिसाब किताब है इसकी? पेटी है इसकी। ये 950 रुपए के, 900 रुपए का लग जाता है। पूरा डेयरी जो है ये 1800 रुपए की है। 35 से 36 दर्जन बता रहे हैं भाई के इसमें, और करीबन 50 रुपए के हिसाब से ठेले वाले को जो है ना 50 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है ये आम से केला। ये जो है 1700 रुपए के, वो 1500 रुपए के, वो भी 1500। तो ये वैसे किलो का हिसाब है? किलो का हिसाब ये तो कम से कम 300 रुपए का किलो पलटे रेडी वाले को। रेडी वाले को ठीक। और वो वाला जो है वो अगर अगर वो भी भाई कम से कम 250 रुपए का किलो पलटे रेडी वाले, क्योंकि अच्छा वाला है, सुंदर पानी ना। अच्छा अच्छा, अच्छा वाला है। ये उल्टा है, ये सीधा है? ये सीधा है। अच्छा, यहाँ से पैकिंग हुई है ये उल्टा। वाह भाई, कोटा का अनार है जी। जी, एक अनार 100 बीमार। इसका रेट 550 रुपए कार्टन है। कार्टन में तकरीबन अंदाजन 4 किलो, 4.5 किलो आता है। जी जी, हाँ हाँ। अस्सलाम जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा अनार, ये रहा सेब। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कराची की फ्रूट मंडी में, और फ्रूट मंडी में आम का राज खत्म हो गया है। अभी जो है यहाँ पर आपको अनार, सेब, अंगूर, ये केले, यही चीज़ें मिल रही हैं। और पिछली दफ़ा जो मैंने व्लॉग किया था यहाँ पर आम ही आम था, और एक अलग ही रौनक थी आम की वजह से ना। मतलब मंडी शुरुआत होते हुए ही ना एक अलग से एक येलो शेड आ रहा था जो सिर्फ आम का होता है, तो उस हिसाब से आज रौनक नहीं है। खैर, और महंगाई वगैरह की वजह से लोग ऑलरेडी टेंशन में हैं। तो ज़रा यहाँ के रेट वेट पता करते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या हो रहा है। सब्जियों के रेट तो आपको बताए थे, लेकिन अब फ्रूट के क्या रेट्स हैं ये सब भी जानते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या सीन है। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक हो, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई, सबसे पहले तो अनार ही रखे हुए। अनार, अनार का बता दो क्या हिसाब है? सर, अनार बेच रहे 1250 का। इसमें 1250 का वजन तकरीबन 11 किलो होता है। पेटी, पेटी का हिसाब है? कार्टन ही है, कार्टन। ये कार्टन है, ये कार्टन है। अच्छा, कार्टन कितना होता है इसमें? किलो इसमें 11 किलो तक होता है। 11 किलो के करीब होता है, ठीक है। ये क्या, कौन से ग्रेड का अनार है ये? फुल ये कोटे वाला अनार है। कोटे वाला अनार है, ठीक है। और किलो का क्या हिसाब पड़ा वैसे इसका? अगर एक किलो जैसे पहले वाले बेचते 250 रुपए किलो, 250 के यहाँ पे इस हिसाब से? यहाँ पर कार्टन के हिसाब होता है, यहाँ पे कार्टन का हिसाब होता है, ठीक है। अच्छा, ये सेब भी बड़ा ए ग्रेड वाला ही लग रहा है भाई। सेब गोल्डन सेब है, गोल्डन सेब है ये। 1800 रुपए का, 1800 रुपए का। ये यही कॉटन वाला हिसाब है ना ये? जी जी। वैसे वजन ज्यादा होता है? वैसे एक नॉर्मली एवरेज क्या किलो पड़ा है जैसे यहाँ से लिया जाए? यहाँ से लिया जाए तो 130-120 रुपए किलो पड़ जाए, ठीक है। बाकी वो फिर अपने मार्केट में अपने हिसाब से बेचते हैं अपने। अच्छा, और ये क्या है, जापानी फल भी रखा? ये जापानी फल अभी सीजन जापानी फल का भी आया है? ये शुरुआत है अभी, अभी शुरुआत है, नया आइटम है। ये क्या चल रहा है अभी डब्बा इसका? ये 650 रुपए, ये 650 रुपए का चल रहा है। और वही तकरीबन किलो क्या हिसाब? ये 6.5-7 किलो होता है इसमें, 6.5-7 किलो होता है इसमें, ठीक है। अंगूर रखा हुआ है ये? अंगूर ये गोला अंगूर है, ये 800 रुपए का, 750 का लग जाता है। अच्छा, 750। ये कितना होगा तकरीबन इसमें? 6.5 किलो होते हैं। 6.5 किलो का भाई अंगूर भी देखें आप रखे हैं साथ में। और ये क्या आड़ू है? जी जी, ये आड़ू है। आड़ू भी अच्छी अच्छी क्वालिटी, स्वाद वाला आड़ू है, आखिरी स्वाद वाला आखिरी। अच्छा, आड़ू का सीजन क्या खत्म हो रहा है अभी? बस एंड चल रहा है इसका। अच्छा, एंड चल रहा है आड़ू से। तो क्या हिसाब किताब है इसकी? पेटी है इसकी तो? ये 950 रुपए के, 900 रुपए का लग जाता है, ठीक है। और क्या किलो का क्या एवरेज बन गया इसका? तो ये आगे लोग बेच रहे 250-300 ऐसे किलो बेच रहे हैं, अभी शॉर्ट है ना इसलिए, ठीक है। अच्छा, मिठे भी हैं? आप भी कहीं? जी सर, जी सर। मिठे वगैरह रखे हैं भाई? ये मिठे, मिठे का क्या हिसाब है वैसे मार्केट में? तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं ये 900 रुपए का पेटी है। इसको गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट है, गिफ्ट बोलते हैं इसको, ये गिफ्ट है। बाकी छोट आते वो 700-750। अच्छा, जो वो वाला रखा हुआ है सामने। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या हिसाब किताब है मिठे का? ये 900 रुपए, 950 रुपए का बेचते हैं हम लोग। अभी आगे पता नहीं है ठेले वाला क्या हिसाब है। ठेले वाले तो दर्जन के हिसाब से निकालते हैं, वो दर्जन के हिसाब से निकालते हैं। वो ग्रेप फ्रूट भी पड़े हुए हमारे पास, ग्रेप फ्रूट भी रखा हुआ है। ये बोरी का हिसाब है ये? कट्टे का हिसाब है, कट्टे का। अच्छा, सही, कट्टे का हिसाब है भाई। ग्रेप फ्रूट भी देखें भाई, ये रखा हुआ है। तो क्या हिसाब है इस कट्टे का? ग्रेप 800 रुपए का, 850 रुपए, 850 रुपए का है, ठीक है। ये भी वैसे तो मार्केट में तो ये भी वही दर्जन के हिसाब से चलता है। ये जूस वाले लेके जाते हैं, जूस के हिसाब, जूस वाले, हाँ जूस वाले ज्यादा जाते हैं। ये पलम क्या था? पलम के इसका नाम फिर आलू बालू क्या था? आलू बालू, जी जी, आलू बालू। क्या फायदे क्या है इसके? इसका ये फायदा है, ये बिल्कुल मिसाल के तौर पर गोश्त में, बकरी का गोश्त जैसे सारा फ्रूट का, ये इसका बिल्कुल गोश्त है, देखो ऐसा बिल्कुल। हर मरीज के लिए दवा है, हर मरीज के लिए दवा है। इसका रेट 550 रुपये कार्टन है। कार्टन में तकरीबन अंदाजन 4 किलो, 4.5 किलो आता है। जी जी, हाँ हाँ, ये आता है। ऐसे खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये बलूचिस्तान में होता है, बलूचिस्तान, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि बलूचिस्तान में बहुत किस्म फ्रूट होता है।
बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान में है, मैं इसके जी जी ये क्वेटा का है, क्वेटा में क्वेटा का है। अनार का 1700 रुपये पेटी है, 1700। ये तकरीबन 14-15 किलो है। जी 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 डेढ़ सौ पड़ गया, 150 पड़ गया। जी जी जी। अच्छा आपकी ये दुकान का ये कार्ड है आपका? ये जी लाल मोहम्मद एंड को, नंबर आपका लिखा हुआ है, किसी को भी लेना हो पर रब्ता कर ले। भाई आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर रब्ता आप कर सकते हैं। अच्छा भाई देखिए यहाँ पर जो है ये लाल वाला सेब भी रखा हुआ है और साथ में जो है आपको हरा वाला सेब भी मिल जाएगा। भाई देखिए ये वाला हरा वाला सेब है, तकरीबन 2200 रुपये की पेटी है ये वाली, ठीक है ना। और साथ में ये वाली जो लाल वाला सेब है ये तकरीबन 3200 रुपये की पेटी है। भाई दोनों एक रेट के सेब हैं यहाँ पर। अच्छा भाई देखिए यहाँ पर जो है ना भाई बोली का हिसाब किताब चल रहा है। ये देखिए ये सारे खड़े हुए हैं, भाई सामने बैठे हैं, ये लगा रहे हैं भाई बोलियाँ। ये देखिए ये हाथ लगा रहे हैं तो ये बोलियाँ लगती जा रही हैं। यहाँ पर खरीदार खड़े हुए हैं भाई, यहाँ पर इधर भी देखें रश लगा है और यहाँ पे भी लोग जितने सारे लोग हैं देखें सारे खड़े हुए हैं भाई। यहाँ पर ये चल रही है भाई, बोलियाँ लग रही है। देखिए भाई सेब की बेटियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर भाई, इस तरह से भी यहाँ पर कारोबारी मामला चलते हैं भाई, बोलियाँ चलती हैं। पर्चियाँ भाई के हाथ में इनके। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? क्या है भाई? बात अल्लाह का शुक्र यार, ये डब्बे तो मैंने पहली दफा देखे इस तरह के आपने। ये पहली दफा नहीं, ये सालों साल से आ रहे हैं भाई जान। अच्छा, सालों साल से आ रहे हैं? जी जी। वाह भाई, तो ये कितने किलो का डब्बा है ये वाला? ये 10-11 किलो होगा। 10-11 किलो का है भाई। देखिए ये भाई रखते जा रहे हैं यहाँ पे डब्बे ही डब्बे। तो अभी तक ये बिक चुके हैं क्या? अभी रखे हुए नहीं, बिक चुका है। 160 का चालान था, बाकी ये 50-60 रह गया। अच्छा बताइए, 50-60 रह गया, बाकी सारी डेयरी निकल गई? हाँ निकल गई, लोग ले जा रहे हैं। अनार शौक से तो कहता है भाई, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, एक दाना अनार 100 बीमार ठीक करेगा। बीमारी लेकर दे दे वो लोग। हमारे भाई हैं ये, हाँ बताओ बताओ बताओ। ये उल्टा है, ये सीधा है, ये सीधा है। अच्छा यहाँ से पैकिंग हुई है, ये उल्टा। वाह भाई, कोटा का अनार है? जी जी, एक अनार 100 बीमार। अस्सलामुअलैकुम भैया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैर है भाई? ठीक है यार, माशाल्लाह अंगूर की वैरायटी तो काफी रखी हुई है आपके पास। बस हर किस्म का अंगूर पड़ा हुआ है भाई, टापी भी पड़ा हुआ है, सुंदरखानी भी है, गोले भी है। ये वाला कौन सा? ये वाला ये गिफ्ट है, सुंदरखानी है। अच्छा, और ये वाला? ये गोल अंगूर है। ये गोल अंगूर है, ये क्या हिसाब है? ये 1500 रुपए का पैकेट है। और ये वाला? ये 1200 रुपए का पैकेट, 1200 रुपए का पैकेट। और वो जो आगे रखे हुए रंग बिरंगे अंगूर, वो भी 1500 रुपए का पैकेट है। उसमें उसको टापी बोलते है, टापी टापी टापी। हाँ, जायके में कैसा होता है? ये जायके में बहुत मीठा है यार, एक खा के चेक कर लूं? एक नहीं, पूरा कार्टन का यार। इतना अच्छा लग रहा है ना, ये रहमान में ही दिखाएंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये इसमें ये जो है 1700 रुपए के, वो 1500 रुपए के, वो भी 1500। तो ये वैसे किलो का हिसाब है? किलो का हिसाब ये तो कम से कम 300 रुपए का किलो पड़ते रेडी वाले को। रेडी वाले को, ठीक है। और वो वाला जो है वो अगर अगर वो भी भाई कम से कम 250 रुपए का किलो पड़ते रेडी वाले, क्योंकि अच्छा वाला है, सुंदर खानी ना, अच्छा अच्छा वाला है। ये काला अंगूर है? हाँ काला अंगूर है। हाँ ये काला अंगूर है। और ये क्या हिसाब है? ये भी 1700 रुपए का, 1700 रुपए का। और ये है कहाँ का? ये कोयटा का? ये कोयटा का, यहाँ सारा अंगूर कोयटा का, कोयटा का ये सारा अंगूर। अच्छा भाई देखें ये सारे पड़े हुए होलसेल वाले केले जो पड़े हुए। मामा क्या क्या हिसाब बताया था? क्या 1800? भाई ये 1800 रुपए की है, ये पूरा पूरा डेयरी जो बता रहे हो, ये पूरा डेयरी ना, पूरा डेयरी जो है ये 1800 रुपए की है। 35 से 36 दर्जन बता रहे हैं भाई कि इसमें, और करीबन 50 रुपए के हिसाब से ठेले वाले को जो है ना 50 रुपए के हिसाब से पड़ रहा है ये आम से केला। और ये अच्छा एक रेट क्वालिटी का केला भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हल्का। तो ये आप देख सकते हैं भाई, दोनों के बाद भाई के बाद रखे हैं भाई। अच्छा भाई, तो आज आपको रेट दिखाए फ्रूट मंडी, मेरे हिसाब से काफ़ी लो चल रही थी भाई, मतलब फ्रूट्स बहुत कम थे। आम के जाने के बाद से यहाँ पर फ्रूट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसी नहीं है कि भाई जब से आम गया है, तरबूज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कम थी, तो यहाँ 4 से 5 ही फ्रूट आज नज़र आए हैं हमें, जिसमें अंगूर आप देख लें, केला देख लें, सेब देख लें, अनार देख लें। तो यही चीज़ें घुमा फिरा के तकरीबन मार्केट में ये रखी हुई है। बोलियाँ वगैरह भी चल रही हैं यहाँ पर, हर किस्म का हिसाब किताब चलता है। तो इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।